कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। धर्म की धर्म रहा था, सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई, तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप, हाथ जोड़ बोली कन्या समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म तुम जाके उनके घर, फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया। राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया, त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। समझाया, अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ। वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम, यह बनते बिगड़े का।
समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नर पक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। पर आने का मुझे है यार, ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करने लगी प्रभु का ध्यान, अनजल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो पत्नी मेरी सीता, राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम
ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। सुनाते हैं पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बतला।
सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बात बताने लगा। बोले गोरखनाथ कि देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखते हैं वो सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। सुनाते हैं माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। हाथ पकड़ना चाह कन्या हो था भैरों को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई बैठ। खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरों को समझाया। लौट जा वापिस भैरों वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े काम।
बाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ। कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजा धारी। चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरो ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया तो शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। है पावन माँ का
वह स्वाहा तत्सर्वितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मह्या धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत श्री मात का भक्तों ये कहला महामंत्र श्री मात का भक्तों ये कहलाए महामंत्र के जाप से मैया होती सहाय रे भक्तों मैया होती सहाय। दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश चरणन में वंदन करे ब्रह्मा विष्णु महेश रे भक्तों ब्रह्मा विष्णु महेश। तू दुर्गा तू कालिका तू सिंह के असवार तू दुर्गा तू कालिका सिंह के असवार संतों को मातारती असुरों को दे मार भवानी असुरों को दे मार। अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे भवसागर से तार के टुकड़े सब हर ले है मैया टुकड़े सब हर ले। जग जननी भुवनेश्वरी माँ जग की आधार जग जननी भुवनेश्वरी जग के आधार तुम्हारी कृपा से ओ माँ चलता ये संसार ओ मैया चलता ये संसार। क्रोध मद नाश करे पाप का करे विनाश काम क्रोध मद नाश करे पाप का करे विनाश उन सब में आशा भरे जो है भक्त निराश ओ भक्तों जो है भक्त निराश। मन
मन से आवाहन करो आदिशक्ति जगदम, मन से आवाहन करो आदिशक्ति जगदम, भक्तों को माता आरती करती नहीं विलंब रे मैया, करती नहीं विलंब। माथे मुकुट है स्वर्ण का, गल सोने का हार, माथे मुकुट है स्वर्ण का, गल सोने का हार, एक हाथ त्रिशूल है एक हाथ तलवार मैया के, एक हाथ तलवार। लांगुर भी चले माँ के अंग और संग, भैरो लांगुर भी चले माँ के अंग और संग, वहाँ विराजे माँ मेरी जहाँ होए सत्संग रे बातो, जहाँ होए सत्संग। चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान, चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान, वर मुद्रा वर दात्री देती अभय वरदान ओ मैया, देती अभय वरदान। काल भी मैया से डरे भय भी हो भय भी, काल भी मैया से डरे भय भी हो भय भी, जैसी जाकी भावना वैसी माँ परतीत है होती, वैसी माँ परतीत। अंधन को आंखें मिली बांझन को संतान, अंधन को आंखें मिली जन को संतान, कोढ़िन को काया मिले दे मां अभय वरदान रे बतो, दे मां अभय वरदान। शुक्रवार प्रिय मानती शुक्र जो मंदिर जा, शुक्रवार प्रिय मानती शुक्र जो मंदिर जाए, दर्शन पाए मात का मुक्ति का फल पाए वो बता, मुक्ति का फल पाए। कंच
चन थार सजाए के आरती तुमरी कंचन थार सजाए के आरती तुमरी गाए चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगाए ओ मैया चंदन तिलक लगाए।